राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन तोते ने कहिए, गुजरात के पोरबंदर के नरसिंह मेहता ने गाया था। इस भजन का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभाओं में गायन करते थे और करवाते थे। नरसिंह मेहता और महात्मा गांधी दोनों पोरबंदर के ही रहने वाले थे। यह भजन गुजराती में है, लेकिन इसके भाव देश के हर नागरिक तक पहुंच चुके हैं। इसको हर व्यक्ति गुनगुनाता है। इस भजन का जो भावार्थ गांधी जी ने लगाया वो यह रहा कि वैष्णव जन तो वह है जो अहिंसा का सत्याग्रही है, अहिंसक है। वैष्णव एक संप्रदाय है, लेकिन इस भजन के भाव और कहने का तात्पर्य उस हर व्यक्ति के लिए है, वैष्णव से है जो सम्यक है, सबको समान दृष्टि से देखता है। इसलिए इसका बहुत व्यापक पैमाने पर अर्थ लगाया जाता है। इस भजन की पहली दो पंक्तियां हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो है मन अभिमान न आने रे। वैष्णव वह है जो दूसरे के दर्द को, दुख दर्द को समझता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, दूर करता है, और ऐसा करने के बाद में भी अपने मन के अंदर कोई अभिमान नहीं लाता, किसी को कहता नहीं कि मैंने ये उपकार किया है, किसी का ये भला किया है। वह वैष्णव है, यह इस दो पंक्तियों का अर्थ है। दूसरी दो पंक्तियां हैं, सकल लोक मा सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे, वाच काज मन निश्चल राखे, धंधन जननी तेनी रे। सारे लोक में, सारी दुनिया में जो किसी की भी निंदा नहीं करता, सबकी वंदना करता है, वाच काच मन निश्चल राखे, वचन से शब्दों से भी किसी हमेशा निश्चल रहता है, निर्मल रहता है, उसकी माँ धन्य है। आज तो ये देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे की निंदा करने लग जाता है। गांधी जी कहते हैं कि निंदा करें, लेकिन साथ में मन में विनय भी रखें, उदारता भी रखें। यही इन पंक्तियों का अर्थ। आगे की दो पंक्तियां हैं, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री ते जेने मात रे, जी हाँ थकी असत्य न बोले, पर धन न उछाले हाथ रे। बड़ा उदारता से इन पंक्तियों में नरसिंह मेहता ने कहा है, और जो आदर्श रूप है वैष्णव के लिए, आदर्श रूप है जो दुनिया को समान दृष्टि से देखता है, अमीर गरीब छोटा बड़ा बुद्धिमान सामान्य, इस तरह से जो भेद नहीं करता है, तृष्णा का त्याग कर चुका है, दूसरी की स्त्री को, पर स्त्री को माता मानता है, जिसकी जीवा से कभी असत्य नहीं निकलता, हमेशा सत्य निकलता है, उस व्यक्ति के लिए यह पंक्तियाँ की गई है। ये एक आदर्श स्थिति है, आदर्श नागरिक की इन पंक्तियों के अंदर कल्पना की गई है। आगे की पंक्तियों में नरसिंह मेहता ने कहा है, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम सु ताली लगी, सकल तीर्थ तेना तन मारे। जिसके अंदर मोह माया नहीं है, देशव्यापी राष्ट्रव्यापी जिसकी सोच है, वैराग्य जिसके मन में है, और राम नाम की जो माला जपता रहता है, ऐसा व्यक्ति ही तीर्थ के समान है। इन पदों के अंदर नरसिंह मेहता ने जो कुछ भी कहा
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंदर उन्हें उतारा और उसके अनुसार ही अपना जीवन गुजारा। इसीलिए यह भजन उनको बहुत प्रिय रहा है।